स्थान का नाम है त्रिवेणा। आपने सुना या देखा होगा हरिद्वार के पास कंकल है, वहाँ पे दक्ष राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाया गया, लेकिन शंकर भगवान का अपमान किया था तो वहाँ सती हो गई थी, सती माता। दोबारा पर्वतराज हिमाचल के घर में मैना के गर्भ में जन्म लिया तो पार्थी नाम पड़ा। ये भगवान विष्णु भगवान 52 अवतार में है, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक राज दिया था, वही रूप में ये भगवान विष्णु भगवान है। इन्हीं को साक्षी करके यहाँ पे त्रेता युग में फिर शिव और पार्थी का शादी हुआ था, पार्थी नाम पढ़ने से, हिमालय पुत्री पार्थी नाम पढ़ने से। ये भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, 52 अवतार में भगवान विष्णु भगवान है यहाँ पे, जिन्होंने राजा बलि को पाताल लोक राज दिया था, वही रूप में यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान विराजमान है। ये राजा हिमाचल के इष्ट देव थे, तभी इनको साक्षी करके त्रेता युग में शिव और पार्थी का यहाँ पे शादी हुआ है। ये 52 भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ पे 4 कुंड है, ब्रह्म कुंड रुद्र कुंड स्नान का है, विष्णु कुंड आचमन का है, सरस्वती कुंड में पीतरादि तर्पण होते हैं, धर्मशिला है जहाँ पे उसका नाम है धर्मशिला, वहाँ पे यज्ञ वो हुआ था, शिव और पार्थी का शादी हुआ था, उसका नाम है धर्मशिला। और अंदर में अखंड अग्नि जलता है, वहाँ पे फेरा हुआ था, भगवान के दूर से दर्शन होते हैं, नारायण लक्ष्मी सरस्वती कुबेर क्षेत्रपाल गुरु मच्छिन्द्रनाथ जी आदि, गुरु शंकराचार्य जी बद्रीनाथ जी का दर्शन है, अखंड दीपक है, सत्यनारायण का मूर्ति है, शिव पार्थी का सौभाग्य वर वधु रूप में जोड़ा सहित मूर्ति है, और भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम शिला है, भगवान के आगे चांदी की मूर्ति है, पीछे से पाषाण की मूर्तियाँ हैं, 52 भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, शिव और पार्थी का यहाँ पे शादी हुआ, वहीं पे अखंड अग्नि जलता है जहाँ पे शिव और पार्थी ने फेरा लिया था, वो त्रेता से अखंड जलता है, उसकी भस्मी मुख्य प्रसाद में जाती है, वो अखंड अग्नि की भस्मी प्रसाद के तौर पर जाती है। बाहर पंचनाम देवता है गणेश अन्नपूर्णा ईशानेश्वर महादेव बजरंग बली अर्धनारेश्वर जी, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, केदारनाथ से एक युग प्राचीन मंदिर है, त्रेता युग का मंदिर, वो द्वापर का ये त्रेता युग, ये 52 भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है, और शिव और पार्थी का यहाँ पे त्रेता युग में शादी हुआ था। ये 12 महीने खुला रहता है ये मंदिर, 12 महीना इसमें नित्य हवन होता है अखंड धुनी में, और 12 महीने भगवान का बहुत पूजा होता है यहाँ पे, तो ये बहुत यहाँ पे 52 द्वादशी का मेला लगता है, 52 भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे, बहुत भव्य मेला लगता है 52 द्वादशी का यहाँ पे। तो ये भगवान त्रिवेणा मंदिर 12 महीने खुला रहता है, यहाँ पे शादी वगैरह भी करते हैं लोग, यहाँ पे जहाँ पे भगवान का फेरा पड़ा तो वहाँ पे फेरा वगैरह करते हैं। तो ये भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है। मेरा नाम है राम स्वरूप भट्ट, ग्राम पोस्ट त्रिजुगिरा।